नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल ईयर के बारे में अगर आपको ज्योतिष में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आपने महादशा अंतरदशा विंश्योत्री दशा या डी नाइन चार्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा इसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी यूनिवर्सल ईयर पर्सनल ईयर एटीट्यूड ईयर को कैलकुलेट किया जाता है और इसी के ज़रिए एक न्यूमरोलॉजिस्ट ईयरली प्रोडिक्शंस मंथली प्रोडिक्शंस और डेली प्रोडिक्शंस करके बता पाता है कि कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए समय सही चल रहा है या नहीं क्योंकि फ्रेंड्स फ्यूचर प्रोडिक्शंस के सारे मेथड्स चाहे वह एस्ट्रोलॉजी हो पामिस्ट्री हो या न्यूमरोलॉजी सभी एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं सिर्फ उनका कैलकुलेशन का तरीका डिफरेंट होता है ठीक उसी तरह जैसे किसी बच्चे को प्यार से हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं लेकिन वह है तो एक ही फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज में कई बार बता चुकी हूँ कि न्यूमरोलॉजी में एक से नौ तक के नंबर्स अपने नाइन रोलिंग प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं जो कि पूरी तरह से एक्यूरेट होता है न तो एक परसेंट कम और न ही एक परसेंट ज़्यादा क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जब किसी भी नंबर की स्टडी की जाती है तो हमेशा सबसे पहला काम यही किया जाता है कि उन नंबर्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है इस हिसाब से अगर देखें तो एक से नौ तक काउंट करने के बाद फिर एक से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि दस में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती दैट्स वाई हमारा पूरा लाइफ साइकिल भी नाइन नंबर्स के सर्कल में रिपीट होता रहता है तो चलिए पता करते हैं कि अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करना है इसके लिए अपने डे ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ प्लस जो करंट ईयर अभी चल रहा है उसका टोटल आएगा वही आपका पर्सनल ईयर होगा फॉर एग्जांपल आपका जन्म 15 सितंबर 2010 में हुआ है तो आपको इसे ऐसे लिख कर एड करना होगा कि 15 सितंबर 2022। इस तरह जो आंसर हमें मिलेगा वह रहेगा वन प्लस फाइव प्लस नाइन प्लस टू प्लस ज़ीरो प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू थ्री तो ये जो नंबर थ्री हमें मिला यही आपका पर्सनल ईयर है इसी कैलकुलेशन के थ्रू एक न्यूमरोलॉजिस्ट ये बता पाता है कि अभी फ़िलहाल आपका समय कैसा चल रहा है अभी सन 2022 में हम सभी यूनिवर्सल ईयर सिक्स की वाइब्रेशन में हैं लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये आपके लिए कैसा असर दिखाएगा और इसके लिए आपके पर्सनल ईयर की कंपैटिबिलिटी को मैच किया जाएगा अगर ये आपस में फ्रेंडली नंबर्स हैं तो पॉजिटिव और आपस में एनिमी नंबर्स हैं तो नेगेटिव असर देखने को मिलेगा इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे न्यूमरोलॉजी से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग